गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है, चलते हैं, हमें पढ़ना है आज। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड आज हमको स्टडी करना है। एलिमिनेशन मेथड होता क्या, इसके बारे में बताइए, कोई बता सकता है क्या? आप में से कईयों ने कोचिंग कर रखा होगा, मुझे पता है, फटाफट बताइए। जैसे कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो, सपोज दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 दे रखा है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दे रखा है, ये इक्वेशन चॉइस होती है, ये इक्वेशन सेकंड होती है, यही होता है ना। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ रफ आइडिया दे रहा हूँ, रफ आइडिया दे रहा हूँ, जिससे आप सभी को सिर्फ इतना ज्ञात हो जाए कि एलिमिनेशन क्या है, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। एलिमिनेशन का सीधा सीधा मतलब है एलिमिनेट करना, किसी भी टर्म को एलिमिनेट कर देना, मतलब गायब कर देना अपने इस इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन से। हम क्या करेंगे, किसी एक टर्म को गायब कर देंगे, ठीक है। जब एक टर्म को गायब करेंगे तो यहां से क्या कैसे कर सकते हैं भैया, सीधे सीधे हम अगर इसको जोड़ दें, जोड़ देंगे तो ये आई थिंक ये प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएंगे ना, एलिमिनेट हो गया सिंपल सा। फिर क्या करेंगे, एक्स एक्स टू एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 3 10 हो गया, फिर एक्स की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी 10 बाई 2 दैट मींस 5, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, एनी वन, किसी भी एक इक्वेशन में आप रख दोगे क्या होगा, हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर वाई की वैल्यू आ जाएगी, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस इसी को आज मुझे क्या करना है, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या एक्सप्लेनेशन लिखवा दूं, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखवाऊं, डायरेक्ट क्वेश्चन सब बताऊं, डेफिनेशन लिखवा दूं, बताइए जल्दी। बुक में तो वैसे लिखा है यार, आप देखोगे पेज नंबर 54 पे, लेट अस कंसीडर अनदर मेथड ऑफ एलिमिनेशन, तो यहां से आपको नहीं लिखना है वन वेरिएबल, यहां लिखना है दिस इज समवन मोर कन्वीनियंट दैट द सब्स्टिट्यूशन मेथड, व्हेन वी वी फाइंड द एनी पार्टिकल एनी वेरिएबल इज एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर इक्वेशन, देन दिस एक टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज, रादर दिस मेथड इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एग्जांपल को बता दिया जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन बताया जाए, एग्जांपल से शुरू किया जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन से। वेरी गुड, चलिए भी ठीक है। फर्स्ट वन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन के पेयर्स हैं, इसे सॉल्व करना है बाय एलिमिनेटेड एलिमिनेशन मेथड। जब भी आपको किसी पर्टिकुलर मेथड की बात करेगा, तभी आपको उस पर्टिकुलर मेथड को लगाना है, ठीक है। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड की बात कर रखा है, तो एलिमिनेशन मेथड को लगाएंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एंड दिस वन इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अभी मैंने बताया जब हमारे क्या थे, वेरिएबल के कौन जो कोफिशियंट्स थे, वेरिएबल के कोफिशियंट्स थे वो क्या थे, बराबर थे। यहाँ पे 1 है कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हम डायरेक्ट इसको इलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, वी कांट इलिमिनेट दिस इक्वेशन, इस टाइप के इक्वेशन को इलिमिनेट नहीं कर सकते ना। सबसे पहले मुझे कॉन्स्टेंट बराबर करना होगा, फर्स्टली वी इक्विवेलेंट द कॉन्स्टेंट ऑफ द कोफिशिएंट, देन आफ्टर ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक। तो कैसे हो सकता है भाई, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अगर पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आई होप कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा, यस का, या तो पहले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वाई का बराबर हो जाएगा, ठीक होगा ना। चलिए ठीक है, हम क्या करते हैं, नाउ मल्टीप्लाइड बाय किसने किया जाए, किसको इक्विवेलेंट किया जाए, एक्स को अदर वाई को, एक्स को इक्विवेलेंट करें या वाई को करें, एक्स को, ठीक है। नाउ इक्वेशन वन मल्टीप्लाइड पी एल बाई आई डी मल्टीप्लाइड बाई टू, इक्वेशन एक में दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन वन में टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब इक्वेशन वन में टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बन, क्या जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू
5 to the 10, this is our equation third. ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन थर्ड. सो इक्वेशन टू इज सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन थ्री. देखो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट बराबर हो गया ना, साइन को अलग करेंगे तभी कटेगा, साइन अगर डिफरेंट रहेगी तभी आपस में सब्ट्रैक्ट होगी. तो इक्वेशन टू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन टू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन थ्री से इक्वेशन टू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. 2x + 2y = 10, दिस इज आवर इक्वेशन थर्ड. एंड 2x - 3y = इक्वेशन 2. इस तरह से आप लिखोगे एक के नीचे एक. फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने को बोला, साइन चेंज होगी, प्लस थी माइनस हो जाएगी, ये माइनस का ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा. ठीक है, फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये जाएंगे कट, कट जाएंगे ना, ये दोनों तो आपस में जोड़ देंगे, देखो सर प्लस प्लस 3 to 5, 5 of 5 = 10 माइनस 4 दैट मीन्स 6, 10 माइनस 4 दैट मीन्स 6. ओके, 10 में से 4 गए, चल हो गया. सो अभी y की वैल्यू निकालते हैं, y = 6/5. भाई यहाँ पे 5 = 6 आ गया, तो y = क्या आ गया, y = 6/5. ठीक है ना, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन किसमें रख देगा, चाहे आप एक में रख लो चाहे दो में रख लो. एक में रखना आसान है क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल सिंगल वाई है, हमें डायरेक्ट किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा. सो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो गई 6/5 = 5. अब ये 6/5 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 - 6/5. ठीक है, फिर क्या करेंगे, 5 - 6 = 19. इसी तरह से आप सभी को सॉल्व करने हैं. एनी डाउट अखिल मिश्रा, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, शाबाश. मीनाक्षी पांडे, बहुत सही, शाबाश, गुड. फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए. नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए फटाफट, नोट डाउन करिए जल्दी जल्दी, इरेज करूं, इसके शॉर्ट ले लीजिए. कौन सा बता दिया है, फर्स्ट का कोई पार्ट बताया जाए, फर्स्ट का कोई पार्ट, एनीवन, और भी लोग बोले जो लेखी क्लास में नहीं है, जल्दी जल्दी बताओ कोई और पार्ट चाहिए फर्स्ट का. अच्छा आप लोग ये बताओ, यूट्यूब पे बढ़िया था या इस पे था, जल्दी से कमेंट करो. यूट्यूब पे जो कल पढ़ाए थे, क्लास कल ली गई थी, वो अच्छी चली थी या इधर 30 मिनट पे. पूर्णिमा जसवाल, इस पे 30 मिनट पर, गुड, वेरी नाइस. आप लोग जिस पे कहोगे मैं उस पे पढ़ा दूंगा. ठीक है, इस पे रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है आपको, गुड 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 गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस, दिस इज परफेक्ट. बेटा आप सभी को बता रहा हूं, 5 तारीख को सुबह 9 बजे, आई होप 9 to 9:30 AM पे आपका टेस्ट है. ठीक है, 35 क्वेश्चन है इसमें, कितने, हाँ टेस्ट है, गुड. प्रशांत शर्मा, वेरी नाइस, आपका टेस्ट है किस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 ओनली, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का ही टेस्ट है. फुल प्रिपरेशन के साथ आना, वरना मैं आपको क्लास से ब्लॉक कर दूंगा. जो नंबर नहीं लाया, जिसने अगर एक भी क्वेश्चन गलत किया, फिर वो जानो उसका कार्य जाने का. मैंने आई होप बहुत अच्छे से पढ़ाया है,
बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपका पेपर बना के तैयार कर दिया हूँ, और टेस्ट है सिर्फ ऑप्शनल लूंगा, एमसीक्यूज टाइप में लूंगा, 30 मिनट का टाइम रहेगा आपके पास, 35 क्वेश्चंस रहेंगे, ओके 30 मिनट्स का रहेगा, 35 क्वेश्चंस रहेंगे। चलते आगे, खत्म ही है। क्वेश्चन नंबर टू क्या कर रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहले फॉर्म करना हमें, बनाना है लीनियर इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को बनाने के बाद उसको सॉल्व करना है, फाइंड ओनली एलिमिनेशन मेथड, ओनली एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करके हमें बनाना है, क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, फर्स्ट वन, फर्स्ट वन ही मैं बता देता हूं, इफ वी एड वन, इफ वी एड वन, इट इज वेरी हॉट, No problem, good. Okay, very good. If we add one, यदि हम एक add कर देते हैं, कहाँ पे add करें पता नहीं, numerator and subtract one from denominator. Numerator में एक जोड़ना है, हम numerator, अगर x और y के term में लेते हैं तो numerator ये होता है, denominator ये होता है ना, जब numerator और denominator ये दोनों हो गए, इसमें बोला जा रहा है एक add करना है, इसमें से एक subtract करना है, ठीक है, and the fraction reduced to one. जो फ्रैक्शन था एट वन फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन, फ्रैक्शन क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है, जो इसका फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन जो था एक्स अपॉन वाई रहा होगा, ये तो फ्रैक्शन रहा होगा, इसमें से पूरे में से एक कम हो जाता है, अगर ऊपर एक जोड़ देता हूं, नीचे एक हटा देता हूं, पूरे में से एक कम हो जाता है, इट बिकम्स हाफ, ये आधा हो जाता है, if we only add one to the denominator, यदि हम केवल denominator में एक जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा टर्म आधा हो जाता है पूरे फ्रैक्शन का, ठीक है, तो समझ में आया, सॉल्व कर लिया जाए, जल्दी बताइए, according to the question, क्या यही कर रहे क्या, जल्दी 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 बताइए, बच्चों ने तो बहुत तेजी से कर लिया, एक पे आ जाता है, रिड्यूस टू के वन पे आ जाता है, फ्रैक्शन होता वन पे आ जाता है, पहले सॉल्व करते हैं, देखना क्या इक्वेशन सही बन रही है कि गलत बन रही है, सही से बताना, कमेंट करना इसको, थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, जल्दी बताइए, सही है, बाकी यही है, देखते हैं, लेट्स लेट्स द फ्रैक्शन, let the fraction equals to x upon y, let the fraction equals to x upon y, then according to problem, problem kya kar rahi hai wali, according to problem, problem ye hai ki hame keh raha hai numerator mein one jodna hai, is numerator mein one jod diya humne, denominator mein ek subtract karna hai, aur ye jo hamara fraction tha, fraction hamara yahi tha x upon y tha, ye ghat ja raha hai, reduce ho raha hai, kahan se reduce ho raha hai, reduce ho ke aa ja raha hai keval pure one, रिड्यूस होके वन आ जाता है, तो इसको क्या करते हैं, वन के इक्वल कर लेते हैं, जब हम सॉल्व करेंगे इसको, x प्लस वन इक्वल टू वाई माइनस वन, ठीक है, फिर क्या करते हैं, हमें किस फॉर्म में देना है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, उस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, बी एक्स हो जाएगा, और ये आ गया तो माइनस ऑफ वाई, और ये इधर इधर जाता है, क्या हो जाएगा, प्लस ये वन प्लस में था, ये भी इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, प्लस टू इक्वल टू जीरो, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर, सेकंड पे चलते हैं, सेकंड पे क्या होगा भाई, अगेन 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 में क्या होगा, फिर से जब क्वेश्चन लेंगे पुनः हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अगेन क्या करना है, कंडीशन कंडीशन देखना होगा, ये जो हमारी क्वेश्चन थी x अपॉन y इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ये रिड्यूस होके 1/2 हो जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है पूरे फ्रैक्शन का, ठीक
ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, समझ में आ गई ना? अब यहां तक समझ में आ गया तो लिखना वही लिखना, फालतू में चिंता मत लिखना। ये हमारी क्या हो जाएगी, इसको भी सॉल्व करेंगे इस तरह से, सेम एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लो x, ये 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, डिवाइड इधर होगा इक्वल टू y, 2x इक्वल टू y, यही बनेगा ना इक्वेशन, 2x इक्वल टू y। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे सुनो तक क्या किया जा रहा है, y माइनस डिनोमिनेटर से वो सेपरेट किया गया था, एक एक वर्ड पे ध्यान देना है। तो ये क्या हो जाएगा, हम सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस ऑफ y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई, इक्वेशन बनके तैयार हो गया। एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज कैसे करेंगे, सेम एज इट इज जैसे करते आए हैं, जैसे करते आए वैसे ही करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन 1, now equation 1 subtracted from equation 2 से equation 1 को subtract कर देते हैं, equation 2 2x minus of y plus 1 equal to 0, again x minus of y plus 2 is equal to 0। सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकता, क्यों हो सकता है, हो सकता है ना भाई, माइनस ये भी है, दोनों माइनस में है, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस आएगी प्लस हो जाएगी, ये प्लस ये माइनस हो जाएगी ना, फिर क्या करेंगे इसको काट देंगे तो ये 2x माइनस ऑफ ये हो जाएगा x, और ये 1 माइनस 2 दैट मींस ऑफ माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0, सो दैट x इक्वल टू 1। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई, ओके x की वैल्यू जैसे ही 1 आई फिर क्या करेंगे, अभी तो कॉपी करो तो बताएं, कॉपी करो जल्दी से फटाक से, फिर क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखना हमारे लिए आसान है, इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, इक्वेशन 1 ये है, x की वैल्यू 1 हो गई माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो ये क्या होगा, y के इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस y, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 दैट मींस 3। ठीक है, x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई, सो दैट सबट्रैक्शन इज अदर दस अबाउट दिस सीरीज का बताएं, thus the fraction is क्या था 1/3। ठीक है, 1/3 हमारा क्या था, फ्रैक्शन था, फटाफट राइट करिए इसे, कैरी ऑन जल्दी, डू इट फास्ट, बहुत तेजी से राइट करें इसे, हो गया, नाची x is equal to 3 y is equal to 5 होगा आंसर, कहीं गलती कर दिया क्या, कहीं गलत हो गया क्या जी, कहां पे गलत हुआ बताओ बताओ बताओ, कहां गलत हुआ, कुछ कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई होगी, इक्वेशन तो सही बनी थी, अखिल इक्वेशन नहीं गलत सही बन पाई थी क्या, मैं इरेज कर दिया हूं, क्या बना था x माइनस y, हां तो ठीक तो है, x माइनस y इक्वल टू माइनस 2, वही तो मेरा आंसर, वही तो मैंने इधर लिख दिया है, ये तो इक्वेशन यही बन रही है ना, हां तो मैं इसे इरेज करता हूं, यहां पे आप क्या बता रहे हो, x माइनस y इक्वल टू माइनस 2 ना, तो इसको इधर कर दिया हूं, x माइनस वाई ये माइनस होगा तो प्लस नहीं जाएगा, प्लस टू इक्वल टू जीरो, यही तो इक्वेशन है हमारी, ये देखो यहाँ पे ये x की वैल्यू थी, x की वैल्यू बनाई थी,
दूसरी क्वेश्चन क्या थी आप लोगों की? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन, कैसे नीचे ऐड करने को बोला था क्या, सब्ट्रैक्ट करने को बोला था? कंडीशन क्या बोल रहा है, रुको एक सेकेंड, जस्ट वेट फॉर मिनट, सॉरी ऐड बोल रहा है ये, तभी तो हो रहा हूं, मैंने सब्ट्रैक्ट किया था, जो हम लोग किए थे x, यही बात है। सेकेंड इक्वेशन में जो हम लोग किया था यही तो क्या था, x अपॉन y माइनस वन इज इक्वल टू वन बाई टू, यही तो लिखा था, ये नहीं, ये सब्ट्रैक्ट मैंने लिख दिया है, यहाँ पे ऐड रहेगा, वहीं से आप लोग फिर से इक्वेशन में फिर से बताता हूँ, ये देखो छोटी छोटी बारीकियां है प्लस और माइनस के डिफरेंस, देखो पहला क्वेश्चन आप स्टेटमेंट में लिखेंगे, स्टेटमेंट आप लोग लिखोगे, कैलकुलेशन लिखाऊंगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या होता था, ये हमारा क्या था, फ्रैक्शन था, न्यूमरेटर पे वन को ऐड करना था, ब्रेक करेंगे, इफ वी ऐड वन तो द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर पे वन ऐड कर लिया, डिनोमिनेटर पे वन सब्ट्रैक्ट करना था, कर दिया, फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन, फ्रैक्शन वन रिड्यूस होके आ गया, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वाई माइनस ऑफ वन, ठीक है, दोनों तरफ को हम इधर कर लेते हैं, एक्स ये वाई इधर आएगा तो माइनस ऑफ वाई हो जाएगा, ठीक है, ये वन इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस वन इधर था, और ये भी माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा ना, इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्या होगा पहला इक्वेशन, ठीक, फिर क्या होगा सेकेंड, अगेन दूसरे इक्वेशन के लिए इट बिकम्स वन बाई टू हो जाएगा, इफ वी एड टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में एक को एड करना है, एक्स अपॉन y प्लस वन, ठीक है, x अपॉन y प्लस वन इक्वल टू वन बाई टू, तो मल्टीप्लाई करेंगे x अपॉन x इक्वल टू, दैट मीन्स x इक्वल टू y प्लस ऑफ वन, ठीक है, y प्लस वन, फिर इधर कर लो 2x माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है, यही क्वेश्चन बन रही है, ये क्वेश्चन टू कर लो, एक सेकेंड, फिर से क्या करेंगे इसको और इसको, फिर ये माइनस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देख लो इक्वेशन टू स्टेटमेंट में लिखो कि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू माइनस ऑफ इक्वेशन वन, ठीक है, टू एक्स माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, फिर क्या करेंगे माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये जाएंगे कट, टू एक्स माइनस एक्स दैट मीन्स एक्स जो नहीं सॉल्व कर पाए वो जल्दी से कॉपी करें, इसे स्क्रीनशॉट ले ले बस, फिर क्या हुआ किसी भी एक क्वेश्चन में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, putting the value of x in any equation, किसी में भी equation one में ले देते हैं, equation one, one में रखेंगे x is equal to 3, तो ये हो जाएगा 3 minus of y plus of 2 is equal to 0, so 5 minus y is equal to 0, thus y is equal to 5, क्या आप लिखेंगे दर्श? बहुत दर्श होती है, और फ्रैक्शन दर्शन फ्रैक्शन इज क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई था, गुड गुड गुड, थ्री अपॉन फाइव, ये हमारे क्या होगा आंसर, ठीक है, चलो दो क्वेश्चन हो गया, इसी पे दो क्वेश्चन बेस्ड हो गए, जब हमने डिनोमिनेटर में से एक सब्ट्रैक्ट किया वो वाला सॉल्यूशन हो गया 1 बाई कितना, 1 बाई 3, क्यों जब हमने सब्ट्रैक्ट किया था तो 1 बाई 3 आया, जब हमने प्लस किया तो 3 बाई 5 हो गया, ठीक, बस इलिमिनेशन मेथड कितना आसान है देख लिया आपको मैंने, बाकी और सब क्या, और सब बस यहाँ आप साथ थोड़ी मिल रहा है भाई, और भी कुछ लोग बोले कमेंट करें, सबके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, कमेंट करें ना करें डजेंट मैटर, ये आप लोग इसी शॉर्ट ले लें, पूरा कंप्लीट कर लें, और एक्सरसाइज 3.4 इसी के साथ टाटा बाय बाय हो गया उसका।
हो गया ना एक्सरसाइज 3.4 पूरा समाप्त हो गया। आप नहीं बताएंगे इसको, आप लोग इसको सॉल्व करोगे, जो नहीं आएगा वो कमेंट करोगे वो बताएंगे। कोई दिक्कत और बता देना भाई, अभी 9 वाली आएगी बात, 9 चलाएंगे सबसे, 9 चलवाएंगे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके, गुड डे यू ऑल, गुड डे यू ऑल।